नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को ट्रेन में सफर किया। उन्होंने बिलासपुर से रायपुर तक 117 किलोमीटर तक का सफर तय किया। इस दौरान पैसेंजर्स से उनकी समस्याओं पर भी बात की। राहुल ने ट्रेन में मौजूद महिला हॉकी खिलाड़ियों से भी बात की, उनकी ट्रेनिंग और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा। बिलासपुर में हुए कांग्रेस के आवास सम्मेलन में शामिल होने के बाद राहुल बिलासपुर से इंटरसिटी एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में सवार हुए। वे शाम करीब 5:45 बजे रायपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। इस दौरान ट्रेन में उनके साथ सीएम भूपेश बघेल और प्रभारी कुमारी सेलजा भी थी। राहुल ने ट्रेन में सामान्य यात्रियों की तरह सफर किया और घूम घूम कर लोगों से भी मिले और उनकी समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने छात्रों को चॉकलेट और चिप्स भी खरीद कर दी। राहुल गांधी का रायपुर से बिलासपुर जाने का भी सफर ट्रेन से तय था, लेकिन ट्रेनों की लेट लतीफी के चलते उनका जाने का सफर टल गया था। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।